तो आज की हमारी वीडियो इस टॉपिक पे है कि टॉपन बाजवा का अकाउंट बैन हो गया है। तो भाई साहब कई जगह पे खुशियां मनाई जा रही हैं और कई जगह पे हम कह रहे थे हम तो कर चुके थे जो करना है। अच्छा अब मैं आप लोगों को असली मेन टॉपिक पर आता हूं कि बाबा जी सीन कुछ इस तरह से है कि आजकल का दौर स्किल्स का रहा ही नहीं, पबजी के अंदर गेम में स्किल्स है ही नहीं, आजकल दौर है जुगाड़ का। ठीक है, तो जुगाड़ हर जगह पे चल रहे हैं। ठीक है, हम तो टेरे लाइव स्ट्रीमर जो करते हैं लाइव के ऊपर करते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि सीन क्या हुआ, कि अकाउंट बैन किस तरह से हुआ। तो टॉपिक में आने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि टॉप एट अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना पाकिस्तानी झंडा सबसे पहले आकर लहरा दिया है। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। तो भाई लोग जो इस टाइम टॉप टू और टॉप थ्री के ऊपर अरबी बैठे हुए हैं, ये अरबी की आईडी से हमारे दो पाकिस्तानी रैंक पुश कर रहे थे जो के पेड पुश थे, जिनमें से एक बंदा टॉवन बाजवा मतलब के हमारे ही क्लैन का था। ठीक है, अब उस बंदे ने मेरे पाकिस्तानी ने उस अरबी से कहा कि भाई ये तुम मेरे से ज्यादा जो पहली शिफ्ट वाला अरबी था कि तुम इतनी जल्दी से कैसे पुश कर रहे हो। उस बंदे ने इस आईडी पे बताया कि भाई 23 किल्स कैसे कर लिए। उस बंदे ने सारा जुगाड़ बता दिया कि भाई साहब मसला सारा रोटी किधर टूट गया। मसला ये है कि सीन इस तरह से है कि भाई साहब आप अपनी लो 4 से 5 टीमें और अल्टीमेट रॉयल के अंदर करो स्टार्ट, कट्ठे उनके किल्स उठाओ, 20 किल्स हो जाएंगे और साथ भाई साहब आराम से चिकन निकाल लो भाई, 40-40 प्लस निकाल लो, ऊपर की तरफ जाते जाओगे। और क्या हुआ, वो क्लैन वाले बंदे ने बात कर ली शेयर मेरे साथ। अब मुझे पता लग गया जुगाड़ का, तो मैंने भाई साहब क्या किया, मैंने भी जब देखा मैंने फाइट करनी शुरू कर दी। मैंने कहा जो मर्जी हो जाए अपना पाकिस्तानी झंडा इंशाल्लाह टॉप 10 के अंदर लहराऊंगा। मैंने परसों से यह काम करना शुरू कर दिया। मैंने अपने टीममेट्स अपने क्लैन वालों थैंक यू सो मच, वो जो जो बंदों ने मुझे सपोर्ट की और हम कामयाब हुए अपना पाकिस्तानी झंडा टॉप 8 पर सबसे पहला पाकिस्तानी पहुंचकर, हमने ये साबित कर दिया कि भाई साहब हम सब एक है। ठीक है, हम सब जो हेल्प कर रहे थे और जो साथ थे। ठीक है, अब ये सब करने के बाद जब हमने टॉप 8 टच कर लिया तो हमारे अंदर हसद करने वाले बहुत लोग थे। अब मैं आप लोगों को कुछ प्रूफ देता हूं कि हो क्या रहा। मैंने सोचा कि मैं क्यों ना, अब ये 2 दिन मैंने इतना रैंक पुश किया है, इतना मेरे साथ वालों ने मेरी हेल्प करवाई है और हमने टॉप 10 अचीव कर लिया है, तो क्यों ना अपनी कम्युनिटी को साथ मिलाते हैं। मैं लाइव स्ट्रीम करता हूं और लाइव स्ट्रीम पर मेरे अपने सारे पाकिस्तानी भाई भी मेरे साथ मैचिंग करें और मुझे किल्स दे, ताकि हम लोग अपना पाकिस्तानी झंडा टॉप पर लेके आए और अपनी आईडी का नाम भी चेंज कर पाक ऑन टॉप रख दे, ताकि जो अरबी बैठे हुए थे उनको पता चल सके कि भाई कोई पाकिस्तानी कम्युनिटी भी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो भाई साहब मैंने जब अपनी स्ट्रीम ऑन की, अब उसमें क्या होना शुरू होता है कि जो बंदे देख रहे थे उनमें से बहुत से लोग जो थे वो मुझे स्ट्रीम स्नैप करके टारगेट करके मुझे मारना शुरू कर दिया, मेरा माइनस कराना शुरू कर दिया, उल्टा प्लस कराने के बजाय माइनस कराना शुरू कर दिया। प्रॉपर टारगेट जिस जिस जगह पे जा रहा था वहां वहां, ये सब जब मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम पर देखा तो मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम ही बंद कर दी डिमोटिवेट होके, कि हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी मुझे लगता था अच्छी है और काफी लोग अच्छे हैं। वही बात है ना कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो भाई साहब एक नहीं थी काफी मछलियां थी। तो भाई साहब मैंने अपनी स्ट्रीम बंद कर दी और कुछ मैं आप लोगों को मुझे ये क्लिप्स मिले हैं यहां पर जो कि मैंने स्ट्रीम बंद कर दी उसके बाद भी क्या होता रहा। तो भाई लोग मेरी लाइव स्ट्रीम बंद करने के बाद मैं आता हूं गेम खेलने के लिए और बीडब्ल्यू मलंग की जब लाइव स्ट्रीम ऑन होती है तो देखो क्या होता है, चौधरी 125 लोगों की टीम मुझे यहां पर किल देने आ जाती है और यहीं पर एक और टीम टारगेट करना शुरू कर देती है, एक नहीं इस मैच में कई टीमें टारगेट करना शुरू कर देती है। ये हम लोग तकरीबन कमेश्की है या जरकी है,
जहां पर ये हमें टीम टारगेट करना शुरू होती है और मैं अपनी टीम को कहता हूं कि यहां से निकलो, प्लस नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो अरबी हमें पकड़ लेंगे या अरबी हमारे से बहुत ऊपर चले जाएंगे। तो भाई साहब जब हम यहां से निकलते हैं तो रस्ते में एक और घर पे रुकते हैं तो भाई वहां पर भी एक टीम आगे टारगेट करना शुरू कर देती है। मेरी स्ट्रीम बंद होने के बाद सोचो मेरी स्ट्रीम पर क्या, और सवर्णी आने के बाद जब होल्ड किया तो सवर्णी में भी हमें टारगेट करना शुरू कर देते हैं। मैंने मलंग भाई को कहा जरा अपनी स्ट्रीम को हाइड कर दो, और जब हाइड करने के बाद हम जॉर्जो सिटी में आते हैं, यहां पर बैठते हैं थोड़ी देर। तो भाई साहब गाड़ियों की आवाजें आप लोगों को आ चुकी होंगी, तो यहां पर भी हमें चार गाड़ियां आकर घेरा डाल लेती हैं। यहां पर और भी दो चार टीमें होती हैं भाई, नेडो की बारिश शुरू हो जाती है और वही ये वो असद करने वाले लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तानी झंडा कभी भी ऊपर ना जाए, हमारा पाकिस्तानी कभी कोई ग्रो ना करे। तो भाई साहब इनको भी मैंने काफी देर लटकाई रखा अकेले बंदे ने, लेकिन एट दी एंड चार बंदे और उसके अलावा एक थर्ड पार्टी थी, उन्होंने भी आखिर कोई किया जो मुझे डर होता है। ठीक है, हम #9 पर मर जाते हैं और मुझे वहां पर प्लस भी नहीं मिलता, जिसकी वजह से मैं BW मलंग को भी कहता हूँ लाइव स्ट्रीम बंद कर दो। और उनकी लाइव स्ट्रीम बंद करने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह हम फिर #8 को टच कर लेते हैं पहला पाकिस्तानी बनकर। अब ये मैंने सारी चीज आप लोगों को क्लियर करा दी है, और अब मैं आप लोगों के साथ एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं कि लोग कह रहे होंगे कि भाई कोई और क्यों नहीं बैन हुआ, क्यों नहीं कोई और बैन हुआ, तो मैं वो भी आप लोगों को एक चीज दिखा देता हूं। तो भाई साहब ये है वो सबसे पहला अरबी जिसने सबसे पहले जुगाड़ लगाया था, जिसका -4633 पॉइंट्स का उसको एक कट्ठा लगा। ठीक है, तो भाई लोग अब बातों में आखिरी बात पर जो कि मेन बात है, अब मैं चाहता ये हूं कि भाई साहब सीन इस तरह से हो चुका हुआ है कि जैसे मुझे बैन लग चुका है और टॉप 10 के अंदर हमारा पाकिस्तानी बंदा तब ही होल्ड कर सकता है जब वो अपनी इस जुगाड़ के साथ खेले कि मैचिंग कर किल्स निकाल कर और प्लस निकाले चिकन के साथ। तो भाई साहब हमारे इस टाइम मैं तो चलो शायद हो सकता है मे बी कि मैं माइनस हो जाए सारा रैंक नीचे आ जाऊं, अभी तक नहीं हुआ लेकिन मे बी आ जाए नीचे मेरे अनबैन होने तक। लेकिन अभी हमारा एक और पाकिस्तानी फ्रेंकी जो कि इस टाइम टॉप 10 के अंदर पहुंच गया है। ठीक है, तो भाई साहब अब मैं यही बोलूंगा कि सब जितने भी भाई हैं ना हसद को छोड़ दो, मुझे डर है क्योंकि टॉप 10 होल्ड हो सकता है तो सिर्फ इसी जुगाड़ की वजह से होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि सब अरबी यही कर रहे हैं। ठीक है, तो सब इसी तरह से ही करना पड़ेगा, तो मुझे डर है कि कहीं दूसरा अकाउंट भी हमारा पाकिस्तानी बैन ना हो जाए। मैं सिर्फ इतनी सी अपील करना चाहूंगा कि हमारा कम से कम उन टॉप 10 के अंदर 9 झंडों में एक झंडा जो है ना वो हमारा पाकिस्तानी लहराया जाए। ठीक है, तो मेरी फुल सपोर्ट है। बाकी आप लोगों से भी ये बोलूंगा, अगर आप लोगों की भी मैचिंग के अंदर फ्रेंकी आता है तो आप उसको मारने के बजाय उसको दूर से जंप कर किल दे दें, ताकि हमारा पाकिस्तानी झंडा ऊपर जाए और हमारा झंडा रिप्रेजेंट हो सके। तो बाकी मैं अपनी बात को यहीं पे, बात खत्म नहीं हुई कैमरा साहब, हेलो। हाँ, तो बात मैं सिर्फ इतनी सी करना चाहूंगा कि यार प्लीज प्लीज अपनी कम्युनिटी को अच्छा बनाओ, ग्रो करो, हसद करना छोड़ो। मैं अब इस वीडियो का इख्तिताम सिर्फ एक शेर के साथ करना चाहूंगा जो कि शेर बाजवा ने खुद बनाया। ठीक है, शेर किसी हाँ, इस हसद भरी दुनिया में है जी, इस हसद भरी दुनिया में लोग नेक कम है फेक ज्यादा है। और रुको रुको, ये ना समझियो कि टॉबन बाजवा का ओला अकाउंट रिपोर्टा मार मार के बैन करा देता है। टॉबन बाजवा ने जिदू मैचिंग नहीं सी ना की, टॉबन बाजवा उदू भी टॉप 14-13 से बैठा आया सी, टॉबन बाजवा जा नहीं रहा। ये आज इस आईडी पर रैंक पुश शुरू 59 ऑलवेज है और इसको ऊपर लेके जाना।
टॉप वन बाजवा का काम है। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी लाइव स्ट्रीम पर मिलते हैं। गुड नाइट, अल्लाह।